खबर प्रकाशित करने पर पत्रकारों को आए दिन मिल रही धमकियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। मामला राजस्थान के धौलपुर जिले की बाड़ी तहसील का है, जहां क्राइम रिपोर्टर जितेंद्र शर्मा को बाड़ी सदर थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने फोन पर धमकी दे डाली, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 11 तारीख को मैं पीजी कॉलेज जो बाड़ी में स्थित है राजकीय महाविद्यालय, वहाँ गया था कविज के लिए, क्योंकि मुझे सूत्रों से जानकारी मिली थी कि वहाँ कुछ नकल का मामला चल रहा है। कुछ टीचर्स हैं, कुछ और भी लोग थे, वो अपने अपने जो मिलने वाले लड़के थे उन्हें किसी न किसी माध्यम से नकल करवा रहे थे। जब मैं पीजी कॉलेज पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ अंदर गेट में एक कॉन्स्टेबल बैठा हुआ था विदाउट यूनिफॉर्म के। लड़कों ने बताया कि ये पुलिस वाला है, तो मैंने उनसे पूछा, बोला सर मुझे प्राचार्य का ऑफिस किधर आप बताएंगे। तो पुलिस वाले ने मेरे साथ में थोड़ा सा अभद्रता की थी, फ़ोन पे बात कर रहा था तो मेरे से कहा था मेरा दिमाग ख़राब मत कर, मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। मैंने उनसे कहा, मैंने मेरा आई कार्ड भी दिखाया था सर, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, यहाँ कवरेज के लिए आया हूँ। तो मेरे साथ उन्होंने बदतमीजी की, गाली गलौज भी किया और मुझे चैनल से बाहर कर दिया। यानी इतना सुन करके कि पत्रकार हैं तो बुरी तरह से बौखला गए वो लोग। फिर उसके बाद में कुछ और स्टाफ वाले लोग भी आए थे,